नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर सकते हैं और इस समिट का आयोजन नवंबर दिसंबर में यह हो सकता है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से जल्द ही अनुरोध भी करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि समिट के तहत 2 रोड शो विदेश में होंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों में 6 रोड शो ये किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में बृहस्पतिवार को समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य में कार्य करने की कई संभावनाएं हैं। निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का यह मकसद सरकार का है और यह अवसर भी अच्छा है। नवंबर दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यह होनी है और समिट के लिए विदेशों में भी 2 रोड शो ये किए जाएंगे और देश के कई शहरों में 6 रोड शो की यह तैयारी है। मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा और इसी के साथ पर्यटन उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश यहां पर करें इन्वेस्टर। पीएम मोदी इस समिट का आगाज कर सकते हैं। फिलहाल जो खबर इसमें सामने आ रही है और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। और वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं जहां पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का विकास किया जाना है। इसके लिए सरकार निरंतर काम भी कर रही है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे बड़े इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन ये कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारी गण हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी ऑफिस में कहीं पर कोई हिलावाली हो रही है, किसी काम को लेट लतीफ किया जा रहा है। 1064 सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में ये आदेश कर दिए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई अगर किसी कारण से या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है तो 1064 पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। ये सख्ती से सख्ती जो है इस पर जितनी हो सकती है उतनी कर। देखिए, चूँकि राज्य में निवेश की बहुत सारी संभावनाओं पर काम हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22000 रोज़गार के नए सृजन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। सकारात्मक रूप से वन विंडो सिस्टम, ठीक प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था लागू करके अभी उसकी तैयारी चल रही है, उसकी शुरुआत कल हमने करी है और संभवतः जैसी तैयारी पूरी हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर रहे हैं, तमाम विकास कार्यों का उन्होंने जिक्र किया है कि विकास का काम बहुत रफ्तार से हो रहा है,
लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो कितनी बड़ा चेंजेस वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और हल्द्वानी शहर के विकास के लिए जो भी कार्य चल रहे हैं उनकी पूरी तरीके से यहाँ समीक्षा की गई। क्योंकि जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो उन्होंने 2200 करोड़ के पैकेज की एक बड़ी घोषणा हल्द्वानी शहर के लिए की थी। क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, कई सारे सिस्टम यहाँ सही होने हैं, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क हो, पेयजल लाइन हो या सीवरेज लाइन हो, इन सभी चीजों के विकास कार्य को लेके जो काम चल रहे हैं उसमें तेजी लाने के सीएम ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर में बड़ी एक समस्या जाम की है, जिसको लेकर कई सारे पार्किंग स्थल नए चिन्हित किए जा रहे हैं और एक रिंग रोड की लंबे समय से चर्चा हो रही है, जिसको लेकर भी आज सीएम ने चर्चा की है अधिकारियों के साथ और जल्दी जो भी कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ठीक है योगेश, लेकिन अगर हल्द्वानी की बात की जाए, एक पर्यटक स्थल के तौर पर हल्द्वानी को देखा जाता है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, इस पर भी खुद मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो रहा है या सिर्फ अभी इसकी शुरुआत ये है? देखिए, 2021 में जब प्रधानमंत्री आए थे उसको लगभग 1.5 साल का समय हो गया है, लेकिन काम धरातल पर बहुत तेजी से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 2200 करोड़ की एक बड़ी धनराशि हल्द्वानी शहर को मिली है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है हल्द्वानी, देश विदेश से पर्यटक भी यहाँ आते हैं, क्योंकि नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, रामगढ़ सारे कई बड़े टूरिस्ट प्लेस जो है नैनीताल जिले में पड़ते हैं, तो उसको लेकर हल्द्वानी में किसी तरह का कोई बड़ा काम अभी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा। जाम की एक बड़ी समस्या यहाँ है, पार्किंग यहाँ बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, जिससे नैनीताल में पर्यटकों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वे राजधानी देहरादून के गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में एक सिरफिरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट भी की है, साथ ही दुकान पर बैठे दुकानदारों पर भी उसने वार किया है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी वहां से गुजर रहे थे और सिरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मंत्री के सामने ही उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। फिलहाल युवक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ उससे जारी है। और वहीं जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को यह पुरस्कार मिला है कि केंद्र वित्त पोषित कई योजनाओं पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई है, जबकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और असहिष्णुता चरम पर है। इसके साथ ही देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार के 9 साल पूरे होने पर किस बात का जश्न यह मनाया जा रहा है? 9000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं तुमको 2026 तक नहीं मिलेंगी जो केंद्र वित्त पोषित हैं, तो पहला पुरस्कार तो ये मिल गया है और देश को ये पुरस्कार मिला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय भारत में है, महंगाई इस समय चरम पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हमारी तुलना हो रही है, असहिष्णुता आज शिष्टाचार बन गई है, कुपोषण के मामले में नेपाल से भी हम पीछे खड़े हैं और किसी भी मापदंड में देख लीजिए गरीब अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। और वे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की ओर से रणनीति यह बनाई गई है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए एक नया प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों के घर पहुंचकर उनसे सीधा संपर्क किया जाएगा। वहीं पार्टी की ओर से जारी नंबर पर मिस कॉल भी ये कराई जाएगी और महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी मिस कॉल का अभियान ये चला चुकी है और लोगों से कॉन्टैक्ट साधने का काम कर चुकी है। अब एक बार फिर से इस अभियान को तेज धार दी जाएगी, 1 महीने से ज्यादा ये चलेगा और प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाएंगे और कई कार्यक्रम भी हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा।
और उत्तराखंड में सरकार के आदेश के बाद अतिक्रमण अभियान जारी है और इसके विरोध में जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने डीएम युगल किशोर पंत से मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी और सीएम के नाम डीएम को एक पत्र भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सरकार और अधिकारी लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों को बसाना है ना कि उजाड़ना, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। ऐसा है कि आपने देखा होगा अतिक्रमण के नाम पर सरकारी अधिकारी और ये सरकार बहुत उत्पीड़न कर रही है और उसी को लेकर हमने जो जिलाधिकारी को एक पत्र दिया है, जो हमने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम भी भेजा गया, उसमें हमने मांग की है कि जिन लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम है लोगों को बसाना उजाड़ना नहीं। अगर मान लिया कोई वास्तव में अतिक्रमणकारी है, भाई सड़क के किनारे है, चलो समझ में आती है, लेकिन जो नजूल की भूमि है या बंजर भूमि है या खाद के गड्ढों पे बसे हुए हैं और 50-50 सालों से बसे हुए हैं, आप उनको तोड़ दे रहे हैं, बरसात का जो मौसम है वो सिर पर है, तो हमने मांग की कि भाई उनको पट्टे दिए जाए और उनको तत्काल मुआवजा देकर उनको इतना व्यवस्था तो कर दिया जाए कि जिससे कि बरसात में वो अपना घर बसा सके। ये मांग हमने जिलाधिकारी से की है, तो वो कह रहे हैं ऐसी मांग बनाकर हम जो जिला मतलब मुख्यमंत्री को भेज देंगे। और अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि जो एजम अति मतलब जो एक तरह से कह रहे हैं हठधर्मिता दिखा रहे हैं, क्योंकि एक मामला था पतरामपुर का, एक 287 नंबर पर सन 85 में पट्टा दिया गया, उसको बसाया गया, बैठाया गया, और आज की एसडीएम कहती है कि आप 290 में बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि या तो उस टाइम का एसडीएम गलत है या आज का एसडीएम गलत है। तो जो इस तरह की हठधर्मिता अधिकारी दिखा रहे हैं उन पर अंकुश लगे, और इस तरह को उन्होंने कहा भी है कि मैं एक लेटर बनाकर एसडीएम परगना मजिस्ट्रेट को भेजूंगा। तो पूरे जिले में हमने मांग की है कि अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न जनता का बंद होना चाहिए। और वे मशहूर गायक और इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन ने कल शाम देहरादून में अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। पवनदीप ने कई सुपरहिट गाने गाकर समा बांध दिया, वहीं गाने सुनकर दर्शक भी झूम उठे। इस दौरान दर्शक बेड़पाको बारह मासो जैसे कई पहाड़ी गानों पर थिरकते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय नववर्ष उत्कृष्ट के विकास संस्कृति का महोत्सव देश के असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक दुर्गेश लाल शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो यहां से चारधाम मार्ग की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात हो, नमामि गंगे की बात हो या फिर पर्वतमाला की बात हो, कुल मिला के सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, केदारपुरी को इस प्रकार से संवारने का काम किया। और वे देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। स्मार्ट सिटी के तहत सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण ये किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये किसी को नहीं पता, जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नशा शहर का मारा नक्शा जो बदला है उससे विधानसभा में उस नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार भी कर दिया है कि इस मामले में बीजेपी के राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास का बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि काफी मशक्कत के बाद देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य यह शुरू हुआ। विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टैलेंट नहीं बना रहे। जब भी मेरी जानकारी में आया तो मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टैलेंट तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर अभी प्रस्ताव बन रहा है, जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा, ये मेरा स्टैंडर्ड, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूं। और वे रुड़की के गंग नहर के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर यूपी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा है। इस दौरान दर्जनों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरने को जारी रखा है। इस मौके पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आरोप था कि गंगा नहर के अधिशासी अभियंता की तानाशाही के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अधिशासी अभियंता कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं,
जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिशासी अभियंता के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इन अधिशासी अभियंता की हठधर्मिता है, इनकी दादागिरी है। ये हर तरह के नियम कानून को ताक पर रखते हुए मान्य श्रम न्यायालय और मान्य उच्च न्यायालय और अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की सरासर अवहेलना कर रहे हैं। उनकी जो है अवहेलना करते हुए अपनी दादागिरी और हठधर्मिता दिखा रहे हैं। क्या अपनी मांग रखना उचित नहीं है? क्या आदमी अपनी मांग के लिए नहीं लड़ सकता है? क्या अधिकारियों से वार्ता नहीं कर सकता है? ये हम लोग वार्ता करने के लिए गए तो हम लोगों पर झूठे आरोप लगाए, मिथ्या कथन करवाया, अपने आप पुलिस को बुलाया, अपने आप जो है बाहर निकले, कहने लगे कि मुझे जाना था। भाई जाना था तो आप हमको बता तो देते, एक बार तो कहते, हमने अगर रोका होता तो हमारी गलती थी। और आप ऊपर से झूठे आरोप मढ़ रहे हैं, कर्मचारियों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ अधिशासी अभियंता महोदय, आपके अंदर जितनी ताकत है आप ट्रांसफर भी करिए और आप सस्पेंड भी करिए। हम हमारा ईश्वर है हमारे साथ, हम देखते हैं कि अन्याय आप कब तक करेंगे और जब तक हम लोगों के दम में दम है हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज हमारा 12वां दिन है, चाहे 12 साल क्यों ना हो जाएं, हम लोग इससे पीछे नहीं हटने के, सब बिल्कुल नहीं हटने के। जब तक हमारे भाइयों का विनियमितकरण नहीं होता है नियम के तहत, हो हम कहते हैं हम गलत कार्रवाई की नहीं आपसे अपेक्षा रखते हैं, आप गलत मत करो, हम भी गलत का साथ नहीं देंगे, लेकिन न्याय उचित कार्य आपको। दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इनको जो है सेवा में रखा गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा सीधा कहा था कि जो है इनको जिस दिन से हटाए गए हैं उस दिन से इनकी सेवाएं लगातार मानी जाएगी। इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में तो रख लिया, किंतु जो है शासन के आदेश भी हो गए हैं कि जो इनको विनियमितीकरण किया जाए। शासन के आदेशों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा भी जो है आदेश किया गया है कि इनको जो है रखने पर विचार किया जाए। इस संबंध में जो है डीजीसी हरिद्वार जो है राय दिए हैं कि भाई इनको सेवा में रखा जाना ही उचित हो, लेकिन तमाम आदेशों के अवहेलना कर रहे हैं अधिशासी अभियंता महोदय और मानने को तैयार नहीं। वार्ता 25 तारीख में इन्होंने हमें आमंत्रित किया, वार्ता हुई, वार्ता में जो है ये सहमति बनी कि जो है ठीक है आप आदेश बनवाइए, और इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाया आदेश जो है बनवाने के लिए, जो है आदेश करे, आदेश बनना तैयार हुआ। फिर कोई इनके पास जो है फोन आया कि भाई आप इस तरह से ना करें, क्या करें, भाई इस तरह से कुछ संदेशा इनके पास आया, फिर इन्होंने जो है कहने लगे भाई नहीं मैं जो है बिल्कुल नहीं कर। अभी प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आपको बता दें मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के साथ साथ पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने इन इलाकों के लोगों को मौसम खराब होने के दौरान पक्के घरों में रहने की हिदायत भी दी है। और वही लगभग 5 सालों से बंद मलिन बस्तियों की टैक्स वसूली फिर से यह शुरू होने जा रही है। नगर निगम ने इसी महीने से देहरादून की सभी मलिन बस्तियों से भवन कर वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कर अनुभाग को अवैध बस्तियों और मकानों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में मलिन बस्तियों में निवासरत आबादी 25,000 से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि साल 2016 के बाद अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने बताया है कि मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूली को लेकर रोस्टर तैयार किया जा रहा है, साथ ही टैक्स वसूली के लिए मलिन बस्तियों में कैंप भी लगवाए जाएंगे। देखिए मलिन बस्तियों से भवन कर लेने के लिए बोर्ड में कई बारी चर्चा हुई है, पिछले बोर्ड में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसी क्रम में जो टैक्स अनुभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है और एक रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा, जिसके अनुसार मलिन बस्ती में जो निर्माण है, जो 2016 से पूर्व के जो निर्माण है उनके जितना भवन कर निर्माण का जो कर एक बनता है वो उनसे लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।